फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट इज़। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जड सेक्शन में कुछ चेंज किया है। जड प्लांट के सेक्शन में देखिए, एक स्टैंड बनाया मैंने पीछे की तरफ, पत्थर रख के, पत्थर का एक टुकड़ा लंबा वाला रख के, और ऊपर कुछ अपने टोपियारीज बनाए हैं जो वहाँ पे रखे हुए हैं, और नीचे कुछ हैं टोपियारीज, और बाकी जो जेड प्लांट मेरे पास कटिंग्स थी वो मैंने पीछे लगा रखी हैं, वो मैंने पीछे की तरफ रख दी हैं, वहाँ भी धूप अच्छे से लगती है, और कुछ एक नीचे आगे रखी हैं। और देखिए जेड प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैंने बिल्कुल इनको एक महीने से इग्नोर छोड़ रखा था, क्योंकि ज़्यादा जब केयर करते हैं तो प्लांट जल्दी ख़राब होता है, तो मैंने बिल्कुल इनको इग्नोर कर दिया, सिर्फ पानी दिया बीच बीच में। तो देखिए अब इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल इनको कटिंग की ज़रूरत है, प्रूनिंग की ज़रूरत है। तो अब बीच में एक दिन टाइम निकाल के इनकी प्रूनिंग करूँगी और इनकी शेप को मेंटेन करूँगी। तो देखिए ये है मेरे जेड प्लांट का सेक्शन। तो अच्छी ग्रोथ करने के लिए मैंने बिल्कुल इनको छोड़ दिया था। देखिए जैसे यहाँ पे इस टोपियारी की जो है ये वायर जो निकल गई है, मुझे अभी अभी दिखाई दी है। तो ये साथ साथ में आपने देखते रहना है, ताकि प्लांट की शेप भी मेंटेन रहे और प्लांट आपका ख़राब भी ना हो। तो आज मैं अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू दूंगी, जल्दी जल्दी दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरा बेबी सनरोज़, ये इसको भी मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि कई बार पानी ज़्यादा डल जाता है सभी प्लांट के साथ, और यहाँ पर धूप भी लगती है इसको। ये फाइकस का बोनसाई मैंने बनाया था, और ये हमारे एक्सोरा। मेरे पास जो है मैक्सिमम जो है समर प्लांट्स हैं, और कुछ एक विंटर प्लांट्स भी हैं बड़े वाले। बाकी विंटर प्लांट जो पेटूनिया वगैरह वो मैं लेकर आई हूँ, वो भी आपके साथ शेयर भी किया है। देखिए अडेनियम, अडेनियम की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी है मेरी इस सीज़न में, बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है इसने। देखिए अभी भी फ्लावर्स इस पर निकल रहे हैं, और सीड पॉट भी इस बार मुझे इस पर मिला है। सीड्स भी लगाऊँगी फेबररी में, जब फेबररी आएगा तो। और ये मेरे देसी कलांचो, ये देखिए देसी कलांचो भी अब फ्लावरिंग का टाइम है, इनका फ्लावरिंग करेंगे। और ये मोगरा, मोगरा में भी देखिए बर्ड्स अच्छी बन रही हैं, मोगरा भी अच्छा ग्रो कर रहा है। वैसे तो ये डोरमेंसी में जाने वाला है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है इस पर भी देखिए, ये देखिए न्यू शूट्स ये निकाल रहा है, और इधर भी देखिए न्यू शूट्स निकाल रहा है। बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। पारिजात प्लांट ने तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग की है कि आपको क्या बताऊँ। इतने अच्छे फ्लावर्स, इतने बर्ड्स इस पर अभी भी बने हुए हैं। कुछ फ्लावर्स स्पेंट हो गए हैं, देखिए इस तरह से स्पेंट हो जाते हैं, तो आप इनको निकालते रहिए, नहीं तो ये सीड पॉट बनाना शुरू कर देता है, तो हमारे प्लांट भी फ्लावरिंग कम हो जाती है। और एक विंटर का ये गजेनिया, ये मैंने इधर रख दिया क्योंकि गिलहरी वहाँ पे खा रही थी, सभी विंटर प्लांट्स के साथ ही यहाँ पड़ा हुआ था। इसके बाद देखिए ये वीडियो मैंने आपके साथ कल शेयर की है, फ्रीशिया, और एक ये बल्बस प्लांट ये है, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है, अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ बताएं। मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था, इस प्लांट के बारे में बताया था। और ये तो फ्रीशिया है, बहुत प्यारे फूल आते हैं इसमें, रजनीगंधा की तरह स्टिक निकल कर आती है, और उस पर फ्लावर्स लगते हैं और फ्रेगरेंस वाले फ्लावर्स होते हैं। बाकी छोटी छोटी कटिंग्स जो मेरी गुलदाउदी की रह गई थी वो इस साइड मैंने रख दी है। और लेमन प्लांट की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, कल मैंने लेमन प्लांट की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। देखिए इसकी पत्तियां और भी ज़्यादा झड़ गई हैं, आज कल भी झड़ी हुई थी और आज भी बहुत ज़्यादा झड़ गई है। गार्डन में आते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आने के बाद जो है साफ़ सफाई करने में ही इतना टाइम निकल जाता है, पत्तियाँ उठाने में। आज तो मैंने नहीं किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया आज यहाँ पे झाड़ू लगाने का, क्योंकि रोज़ की रोज़ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर के भी काम होते हैं। देखिए अपराजिता, अपराजिता में फ्लावरिंग कम हो गई है, देखिए बर्ड्स तो बने हुए हैं, ये देखिए वाइट वाले बर्ड्स निकल रहे हैं, ब्लू में फ्लावरिंग कम हो रही है, बाकी अभी ग्रीनरी इस पर बनी हुई है। कुछ पत्तियां पीली भी हो रही हैं क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ब्लू वाले में, ये वाले में देखिए ये बर्ड निकला हुआ है। और ये हमारे रेन लिली जो मैंने एक साइड कर दिए हैं, इनका सीज़न अब डोरमेंसी का आ गया है। और ये मेरे डबल चांदनी, इसमें भी देखिए पत्तियां पीली हो रही हैं सर्दी की वजह से, लेकिन बर्ड्स इस पर अच्छे बने हुए हैं। और वो हमारा स्टार लिली, इसके बाद देखिए ये बोगनविलास, बोगनविला भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ठंड की वजह से इसके फ्लावर्स देखिए इस तरह से जल जाते हैं, ये देखिए इस तरह से जल जाते हैं ठंड की वजह से। और आप इसमें वाटरिंग साथ साथ करते रहिए। अभी मैंने सभी प्लांट्स में वाटरिंग की है, क्योंकि दो या तीन ही दिन हो गए थे शायद मैंने सभी प्लांट्स को वाटरिंग किए हुए, क्योंकि आजकल पानी जो है जल्दी नहीं सूखता है, तो इसलिए तीन दिन के बाद आप पानी दीजिए प्लांट्स को। अगर आपके वहाँ तेज़ धूप है तो आप दूसरे दिन भी दे सकते हैं। देखिए सभी मेरे बोगनविलास हैं ये,
इनमें अब न्यू न्यू लीव्स निकलेंगी और नई फ्लावरिंग ये दोबारा से करेगा। येलो में तो होने भी लग गई है। और ये हिबिस्कस, ये पिंक कलर का हिबिस्कस है, ये देखिए बोगनविला। और देखिए रोज़ प्लांट, रोज़ प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये वाला रोज़ प्लांट जो है ऊपर की तरफ ना बढ़ के ऐसे फैल कर चलता है, ये इधर को ब्रांचेस फैलाता है उधर को फैलाता है, ऊपर की तरफ नहीं चलता है ये। तो इसकी नेचर ही ऐसी है कि ये चारों तरफ फैल कर चलता है। और देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, न्यू न्यू शूट्स इसकी कितनी अच्छी निकल कर आ रही हैं। ये देखिए ये हमारे फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट है। और बर्ड्स भी इस पर अच्छी बनी हुई है, देखिए बर्ड्स भी बनी है, एक ये है एक नीचे है और उधर भी बन रही हैं। और ये हमारा बटन रोज़, बटन रोज़ भी बहुत अच्छी अब ग्रोथ इसने ले ली है, फ्लावर्स भी निकाल रहा है। अभी इससे बड़े फ्लावर होंगे जब और अच्छा मौसम हो जाएगा विंटर का, तो इससे ज़्यादा बड़े फ्लावर्स इसमें निकल कर आते हैं, अभी तो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ रोज़ प्लांट, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स इसमें निकले हुए हैं। ये देखिए दो फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक ये रोज़ प्लांट, ये मेरा बहुत ही मतलब हार्डी प्लांट है एक तरीके से, इतने अच्छा हार्डी, ये कम से कम 3 साल से मेरे पास चल रहा है जब से मैं इसको लेकर आई हूँ। इसकी ग्रोथ ऐसी की ऐसी है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, इस गुलाब की नेचर है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकलती है जब भी है। ये येलो और पिंक कलर का मिक्स फ्लावर आता है, यानी कि डबल डिलाइट फ्लावर है। देखिए थोड़ा स्पेंट होने वाला है तो इस तरह से हो जाता है ये, देखिए इसमें डबल कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, बीच में से येलो है साइड से पिंक होता है। और ये अरबी, अरबी जो मैंने ग्रो की थी, अरबी के पत्ते एक बार मैं हार्वेस्ट करके रेसिपी भी बना चुकी हूँ और आपको बताया भी था, मैंने दिखाया भी था। और हमारी एलोवेराज, एलोवेरा के बीच में पड़ा हुआ है सेंसिवेरिया, सिलेंड्रिकल सेंसिवेरिया, ये कुछ कटिंग्स जो है मदर ऑफ थाउजेंड की। और ये हमारा सदाबहार, देखिए मदर ऑफ थाउजेंड मैंने बिल्कुल किनारे पे रखा हुआ है क्योंकि इसके बेबीज़ जो हैं इधर उधर गिर जाते हैं और फैल जाते हैं। ये हमारा जो टूटा हुआ पॉट जो मैंने बनाया था इसको भी मैंने साइड कर दिया है, तो इसकी लुक अच्छी नहीं आ रही थी तो इसको मैंने साइड कर दिया है। और ये देखिए मेरे क्रिसेंथमम, क्रिसेंथमम को सिर्फ एक लुक में मैं दिखाऊंगी आपको, देखिए एक लाइन में रखे हुए हैं, सभी पे बर्ड्स बन गई हैं, देखिए सभी पे बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। इस पर नहीं बनी थी, इस पर भी अब बनना शुरू हो गई हैं बर्ड्स, देखिए तो बहुत। ये देखिए ये वाला मदर प्लांट है, इसको मैंने घड़े में लगाया हुआ था पिछली बार, तो इसको मैंने घड़े में ही ग्रो होने दिया, अभी शिफ्ट नहीं किया। तो इस पर भी देखिए कितने अच्छे बर्ड्स बन के आए हुए हैं। और ये देखिए ये येलो कलर का है, इसने दिखाना शुरू कर दिया कि येलो फ्लावर्स खिलेगा, तो देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं। तो मैंने बहुत बड़े पॉट्स में इनको नहीं लगाया इस बार, छोटे पॉट्स ही मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने छोटे में ही रहने दिया, क्योंकि ज़्यादा, क्योंकि क्रिसेंथमम की कटिंग्स हम ज़्यादा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉट्स अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद चलते हैं अपने विंटर प्लांट्स की तरफ। तो देखिए ये मेरे पेटूनियाज जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ये पेटूनिया देखिए कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। कुछ कुछ प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी है, कुछ की नहीं है, जैसे देखिए ये वाला है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इस पर कलियाँ बन रही हैं, कलियाँ बननी शुरू हुई हैं, तो हो सकता है प्लांट भी नीचे से अच्छे से फैलेगा, जब नई ग्रोथ निकालेगा तो अच्छा हो जाएगा। और देखिए रेड पे कितने सुंदर फूल खिले हैं, पर्पल, पर्पल पे तो इतने सारे बर्ड्स निकले हुए हैं, पर्पल पे वैसे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है जब भी आप पर्पल फ्लावर लगाते हैं। और ये वाला शायद पिंक कलर का है, प्लेन पिंक है, और ये वाला है डबल कलर का जिसके बीच में वाइट है और साइड में पिंक है, तो इसमें भी देखिए ग्रोथ तो अच्छी पकड़ ली है इन्होंने, बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि पेटूनिया में अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जब इसकी सॉइल सूख जाए तभी आपने इसमें वाटरिंग करनी है। अभी मैंने इसमें वाटरिंग की है 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद, देखिए इसमें भी नए नए बर्ड्स निकले हैं। ये वाला स्पेंट हो गया, तो स्पेंट फ्लावर्स को आप नीचे से इस तरह से कट कर दीजिए तो आपके प्लांट पर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। देखिए न्यू न्यू बर्ड्स इसने निकाली हैं। और ये हमारा हाइब्रिड विंका, देखिए कितना प्यारा कलर है हाइब्रिड विंका का, ऑरेंज पीच कलर है ये बिल्कुल। और ये वाइट, वाइट में भी अच्छी कलियाँ निकली हुई हैं, देखिए ये मैंने बड़े पॉट में लगाया हुआ है। और ये हमारा ग्लैडुलस, ये ग्लैडुलस का बल्ब मैंने लगाया था, इसने भी अभी लीव्स अच्छी निकाल रही हैं। बाकी ये देखिए हिबिस्कस प्लांट्स हैं सारे मेरे, इनको मैंने बिल्कुल अच्छे से प्रून कर दिए, क्योंकि पहले इन पर फ्लावरिंग हो रही थी अक्टूबर मंथ में, तो मैंने इनको प्रून नहीं किया था, कट नहीं किया था, अब मैंने इसको 2 दिन पहले से इस तरह से कट कर दिया बिल्कुल, तो ये नई नई ग्रोथ अभी निकालेगा। इसको भी देखिए मैंने कट किया है, ये देसी जो है डबल पेटल वाला जो पंचमुखी हिबिस्कस होता है वो वाला है बड़े वाला, और ये मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी चल रही है, इसको प्रून नहीं किया है। उसके बाद देखिए ये वाला बड़े फूल वाला जो पिंक कलर का बड़ा फूल आता है, इसको भी मैंने कट कर दिया।
और एलमांडा को तो मैंने बिल्कुल नीचे से कट कर दिया। देखिए बिल्कुल ये आपको स्टेम स्टेम दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल इस पर कोई लीव नहीं है, तो इसको मैंने बिल्कुल नीचे से प्रून कर दिया, कट कर दिया। और ये हमारा कड़ी पत्ता भी देखिए डोरमेंसी में जा रहा है, कड़ी पत्ता देखिए इस तरह से येलो येलो इसकी लीव्स हो गई हैं। ये हमारा लेमन ग्रास और ये अमेरिलिस लिली के दोनों पॉट हैं। ये डबल पेटल अमेरिलिस लिली है और वो वाला रेड वाला अमेरिलिस लिली है। और ये कुछ कटिंग्स वाला पॉट है मेरा, ये कटिंग लगाई थी, ये चांदनी की कटिंग मैंने लगाई थी। और ये बीच से ग्रो किया हुआ अश्वगंधा है, ये एक जोरा की कटिंग लगाई थी, देखिए एक जोरा की कटिंग भी चल गई है, अभी तो डोरमेंसी में आ गई है। और ये फोर ओ क्लोक, इसको कल पानी नहीं दिया था, कल थोड़ा सा सेट किया था मैंने, तो ये प्लांट हिल गया है। और ये मॉस रोज का टावर जो है मैंने अभी इसको खाली नहीं किया है, अभी मैं देखूंगी और विंटर प्लांट्स लाऊंगी तब इसको मैं खाली करूंगी, अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। लाप आई तो इसको खाली करूंगी, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ये इसी तरह से सेव करके रखूंगी। और इधर देखिए मैंने कंपोस्ट दोबारा से बनाने शुरू कर दिए, मेरी सारी किचन कंपोस्ट ख़त्म हो गई है, तो इसमें मैंने देखिए सारा गार्डन वेस्ट नीचे सबसे नीचे मिट्टी गार्डन वेस्ट सारा है, और ऊपर मैंने गत्ते डाले हैं, अभी डाले हैं मैंने आज गत्ते, तो ये गत्ते डाले इसके ऊपर मैं गोबर की खाद डालूंगी काउडंग कंपोस्ट, और उसके ऊपर फिर मैं दोबारा से इसको पानी से स्प्रे करके इसको ढक के रख दूंगी। और बीच बीच में हम दोबारा से जो भी किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट निकलेगा वो डालते रहेंगे, क्योंकि अभी पूरा ड्रम मेरा खाली है। और इसके बाद आते हैं अपने सेंटर पॉइंट पे, ये देखिए एस्पेरेगस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसको भी मैंने नीचे रख दिया है। ये हमारा पेटूनिया जो होता है, देसी पेटूनिया नाम भूल गई हूँ मैं इसका, और एक ये लेकर आई थी मैं कोलियस, ये नया कोलियस लाई थी मैं, तो देखिए। और हमारा सेंटर पॉइंट देखिए मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैंने दिखाया था आपको दो तरफ मैंने कोलियस रखे हैं, बीच में ये मेरा डे लिली का प्लांट है, ये देखिए पिछले दो सीजन से मैंने लगा रखा है, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, नीचे इसके बल्ब डेवलप हो गया होगा क्योंकि पहले बल्ब नहीं था इसमें, तो इसको मैंने अभी छोटे पॉट में ही लगा रखा है, तो इसकी ग्रोथ तो बता रही है कि इसका नीचे बल्ब बन चुका है, तो देखते हैं इस बार सीज़न में ये फ्लावरिंग करता है या नहीं करता है। और ये दो डेंथस ऊपर रखे हैं बुद्धा जी के सामने, और एक ये इसको सेंटर में रखते हैं, ये प्लांट बहुत अच्छी लुक देता है सेंटर में रखा हुआ, तो अभी छोटे पॉट में इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है ये। और ये हमारे बुद्धा जी बीच में ध्यान कर रहे हैं, और अल्टर नेंथ्रा दोनों साइड रखा हुआ है रेड कलर का। और एक ये है, ये हमारा कैना लिली, येलो कलर का फ्लावर आता है इसमें कैना लिली। और ये हमारा वाटर कैबेज, वाटर कैबेज का डोरमेंसी पीरियड है इसलिए येलो येलो दिखाई दे रहा है, इसमें पानी सिर्फ इतना डालना है कि प्लांट आपका सर्वाइव करता रहे, तो इसीलिए इसको जो है मैंने कम पानी में रखा हुआ है। तो ये है मेरा सेंटर पॉइंट, और इसके ऊपर टंकी के ऊपर देखिए मैंने एक ये रख दिया है स्पाइडर प्लांट, और इसके पीछे जो है हमारा पेनीवर्ट अच्छी ग्रो कर रहा है। दूसरी टंकी पे मैंने देखी अल्टर नेंथ्रा का ट्रे रखा हुआ है, जो मैंने पहले बुद्धा जी के आगे रखा हुआ था उसको उठा के मैंने पीछे रख दिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरे गार्डन का ओवरव्यू, कैसा लगा? बहुत दिन बाद मैंने अपने गार्डन का ओवरव्यू दिया है, तो दूर से एक बार आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से है मेरा गार्डन, बीच में क्रिसेंथमम है, साइड में रोज़ प्लांट और बोगनविलाज हैं, इधर हैं देखिए, और कुछ प्लांट्स मेरे स्टेयर्स पे रखे हुए हैं आप देख सकते हैं, तो इनको मैं बाद में दिखाऊंगी, जो मेरे स्पाइडर प्लांट्स हैं, सेंसिबेरिया है एक्स्ट्रा ट्रे में, और एक चलिए दिखाई देती हूँ, एक छोटा सा ओवरलुक दे देती हूँ फटाफट वाला। ये देखिए जेब्रा प्लांट, ये मेरा एपिफाइलम, ये भी अब डोरमेंसी में इसकी स्लो ग्रोथ स्लो हो जाती है, इसको भी अभी मैंने वाटरिंग की है। एक ये लगाया था मैंने हार्ट, ब्रोकन हार्ट, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, चला नहीं है, पता नहीं क्या बात है। और देखिए इसने भी न्यू लीव्स निकालना शुरू कर दिए टेबल पाम ने, ये सभी ये देख सकते हैं आप हमारे डॉग्स। कुछ मेरे वहाँ पे रखे हुए हैं साइड में, और ये मेरा फर्टिलाइज़र और गार्डनिंग टूल्स का सेक्शन है, ये तो हमेशा बिखरा ही रहता है। ये मेरा काउडंग कंपोस्ट का कट्टा पूरा भरा हुआ है मेरे पास। और कुछ इधर है मेरे टेंगल हार्ट और जेड प्लांट्स स्टैंड पे रखे हुए हैं, नीचे मेरे ये रखे हुए हैं फर्टिलाइज़र।
तो फ्रेंड्स ये था मेरे गार्डन का ओवरव्यू। होप आपको पसंद आया होगा मेरा गार्डन। तो आपको मेरा गार्डन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरा। आप देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल को देखते हैं एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि उसमें आपका कुछ नहीं लगता है, एक मोटिवेशन ही हमें मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम एक अच्छी नई वीडियो बनाकर लाएं और आपके सामने दिखाएं। तो जैसे ही मैं वीडियो बनाती रहूँगी मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करती रहूँगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि हाँ मुझे कुछ आगे और अच्छा करना है, अपनी कमियों को सुधारना है। आप मुझे कमेंट करके मेरी कमियां भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि कुछ मेरे अंदर कमियां भी होंगी, तो वो मैं कमियां भी सुधारने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें कुछ नहीं लगेगा आपका। तो थैंक यू फ्रेंड्स।